वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है, अमेरिका प्रोफेसर ने भारत को बताया गंदा देश, मिला करारा जवाब। एमी वैक्स टकर कार्लसन शो, देखते हैं भैया ये क्या है, कुछ आपके कमेंट से तो पता चला। टकर कार्लसन जो है वो फॉक्स न्यूज का है। ओ अच्छा, ऑपोजिशन वाले हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और मैं जनरली भूल जाती हूँ तो मुझे याद आ गया। तो हमारे जो बाकी दो चैनल्स हैं, इंडियन अमेरिकन वर्ल्ड और इंडियन अमेरिकन रिएक्शंस, उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कुछ कुछ वीडियोस उनमें भी जाती हैं। राइट, और ट्विटर में हमें फॉलो करिए, जब भी हमारे किसी भी चैनल में वीडियो आते हैं तो ट्वीट आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। नहीं, मैं भूल गई, मैं आधा फिर भूल गई क्या भूली कि उनके जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां से आप जाके लिंक को क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। अब चलो शुरू करते हैं। अमेरिका की एक महिला प्रोफेसर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाली प्रोफेसर एमी वैक्स ने एक बयान दिया है। इस बयान को सुनकर हर भारतीय को गुस्सा आ जाएगा। एमी वैक्स ने भारत के लोगों और ब्राह्मण महिलाओं के लिए बेहद ही शर्मनाक बात कही है, जो किसी गाली से कम नहीं है। इस प्रोफेसर ने भारत को गंदा देश बताया और ब्राह्मण महिलाओं के लिए गलत शब्द कहे। So take, you know, the Brahmin, on some level, their country is a excuse my language. जिस समय ये प्रोफेसर टीवी शो में अपनी छोटी सोच दिखा रही थी, तब उस प्रोग्राम का एंकर और ये प्रोफेसर हंस रहे थे। इस प्रोफेसर ने कहा कि ब्राह्मण महिलाओं को सिखाया जाता है कि वो हर किसी से बेहतर हैं। हम इन्हें और भारतीय लोगों को अपने देश में काम का मौका देते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि इनका देश गंदा है। अब कोई इस प्रोफेसर से पूछे कि यहाँ ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण की बात कहाँ से आई। दूसरी बात यह कि भारतीय महिलाओं को मौका देकर कोई एहसान नहीं किया गया। भारतीयों को नौकरी मिली तो उनकी योग्यता के दम पर। वैसे ये प्रोफेसर यही नहीं रुकी, इसने भारतीय और दूसरे एशियाई डॉक्टरों की भी आलोचना की। ये प्रोफेसर बोली कि ये सभी लोग जानते हैं कि हमने उन्हें हर तरह से पछाड़ दिया है, इसलिए वो शर्म महसूस करते हैं और हमारे देश में आकर हमें ही बुरा भला कहते हैं। वैसे ये कहना मुश्किल है कि जिस समय ये प्रोफेसर इस तरह के बयान दे रही थी, तब उसकी मानसिक स्थिति क्या थी। इस महिला प्रोफेसर ने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिसे यहाँ बोलना ठीक नहीं होगा। बहरहाल ये प्रोफेसर शायद सहन नहीं कर पा रही कि अमेरिका में भारतीयों का कितना बड़ा योगदान है। ये शायद नहीं जानती कि अमेरिका की कई बड़ी कंपनियों को भारतीय ही चला रहे हैं। साइंस, मेडिकल और आईटी जैसे क्षेत्रों में भारतीय लोगों का बोलबाला है। ये प्रोफेसर शायद ये भी भूल गई कि कुछ समय पहले अमेरिका में 8 भारतीय मूल की महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया था। वैसे ये पहली बार नहीं है कि एमी वैक्स नाम की इस प्रोफेसर ने भड़काऊ बयान दिया हो। इस प्रोफेसर ने रंग के आधार पर छात्रों की क्षमता पर सवाल उठाया था और कहा था कि अमेरिका तब बेहतर होगा जब एशिया से कम लोग यहां आएंगे। अब इस प्रोफेसर की जानकारी के लिए हम बता दें कि अगर भारतीय और एशियाई मूल के लोग अमेरिका में काम करना बंद कर दें, तो आज की तारीख में अमेरिका चुटकियों में घुटनों पर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, काश उन्होंने बोला क्या वो भी उसका पूरा दिखाते, ताकि पता चले कितना एक्सट्रीम तक गई है। पर ये पता चला है कि ये फर्स्ट टाइम नहीं बोली ऐसा, ये बोलती रहती है। मुझे जो शॉकिंग लगा कि अगर उन्होंने इस टाइप का कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं इंडिया के बारे में, या इंडियंस जो यहाँ पे रह रहे हैं अमेरिका में और जॉब्स कर रहे हैं, तो इनकी यूनिवर्सिटी ने अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया है। और खासकर वो कह रहे हैं पिछली बारी इससे पहले भी ये बोल चुकी है, और वो भी रंग के ऊपर वो बता रही है काबिलियत ऑफ स्टूडेंट्स। तो अगर इस टाइप की बातें यहाँ पे बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन, और खासकर स्टडीज के एरिया में, पढ़ाई की जगह पर। तो अगर ये हो रहा है तो इनकी जो यूनिवर्सिटी है वो अवेयर होनी चाहिए। इन्होंने क्लियर नहीं किया कि पेंसिल्वेनिया बोला था, ये पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया तो आईवी लीग है, वो नहीं हो सकता। आई होप नॉट। काफी सारे उसमें इंडियंस जाते हैं, और तो काफी इंडियन अमेरिकन भी जाते हैं, और इंडिया से भी लोग जाते हैं वहां पे, और काफी अच्छा आईवी लीग है। मुझे पता नहीं कि आईवी लीग से ही है
कि कोई और है, कोई मगर होगी जैसे वो कह रहे हैं, जैसे उन्होंने खुद कहा है कि उनकी मतलब मेंटल स्टेट क्या थी उस वक्त पता नहीं है कि क्या बात थी। कई होते हैं थोड़ा मेस्ड अप होते हैं, और ऐसे आपको काफी लोग मिल जाएंगे, अनफॉर्चुनेट है, दुख की बात है। और वो वही होते हैं जिनको मतलब जो अपने करियर में खुश नहीं है, सैटिस्फाइड नहीं है, या दूसरों को आगे बढ़ता हुआ देख के उनको खुशी नहीं मिलती है, उस जो के लोग अच्छे काम नहीं करते हैं, और जो बाहर से इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, जो उनसे अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे आगे निकलते जा रहे हैं, तो उनको किसी पॉइंट की वजह से कोई तकलीफ है। तो ये एक जेनेरिक नहीं है, मतलब उन बंदों को कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उसके वजह से ये सब बोल रहे हैं। तो ठीक है, ऐसे हर एक का ओपिनियन है, मगर एक्शंस आर मोर इम्पॉर्टेंट। आप आइए, मेहनत करते जाइए और आगे बढ़ते चले जाइए, और मेहनत से ही आगे बढ़ते हैं। और अगर किसी ने कॉम्पिटिशन काफी होता है, और जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा, इसी तरीके से रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो मुझे पता नहीं कंटेक्स्ट क्या था, मगर अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो मेरे को पता नहीं कि उनकी यूनिवर्सिटी ने कोई एक्शन लिया कि नहीं लिया, क्योंकि आई एम श्योर कि उनकी यूनिवर्सिटी में ही कई इतने इंडियंस होंगे जो पढ़ रहे होंगे, प्रोफेसर्स भी होंगे, हर एक यूनिवर्सिटी में आपको इंडियन प्रोफेसर्स मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स कितने हैं हर यूनिवर्सिटी में आप देखो, तो आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटीज में इंडियन स्टूडेंट्स भी मिलेंगे। तो अगर आप इस टाइप की स्टेटमेंट्स दे रहे हो, तो वहां के जो बैठी हुई एडमिनिस्ट्रेशन, उनको वो अवेयरनेस बता होनी चाहिए, या अगर नहीं है तो किसी को इन्फॉर्म करना चाहिए कि देखो ये किस टाइप की स्टेटमेंट, क्योंकि आप एक आपका जो विचार है, आपका विचार अगर आपने अपने अंदर रखा हुआ है दैट इज ओके, पर आप पब्लिक प्लेटफॉर्म में आके, एक शो में आके इस टाइप की बातें कर रहे हो, इंडिया का आपने वो बोल दिया ब्राह्मण वुमेन के बारे में, मुझे तो समझ ही नहीं आया कहां से कहां ब्राह्मण वुमेन की बात शुरू हो गई। और जो देखिए, और कोई इंसान जो इंडियन नहीं है उसको क्या पता ब्राह्मण क्या है, वो तो आपको क्या पता, आपको किसी ने बताया, आप गए हो क्या इंडिया, आपने क्या देखा है, अनलेस आपने इंडिया के ऊपर कोई रिसर्च की, कई लोग रिसर्च भी करते हैं, अनलेस आपके पास पीएचडी है इंडियन स्टडीज में और इंडिया में गई थी आपने रिसर्च की, तो बात अलग है। मगर मैक्सिमम लोगों को तो ब्राह्मण का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, तो उनका कमेंट भी ठीक नहीं बनता, क्योंकि इसका मतलब आपको कुछ नॉलेज नहीं है। पर इससे यही पता चलता है, यहाँ इंडिया में भी तो कई है ना ऐसे टीचर्स बने हुए हैं और इस टाइप की हेट कमेंट्स और हेट की बातें भी करते हैं, वैसी दुनिया में हर जगह आपको इस टाइप के लोग मिलेंगे। तो आपको दिख रहा है उनका अपना एजेंडा होता है, उनका अपना एजेंडा होता है। हमने वो मूवी जो की थी कश्मीर फाइल्स, उसमें भी तो वो यूनिवर्सिटी वाली जो लेडी थी वो कितना हेट क्रिएट कर रही थी। तो वही है, दुनिया में इस टाइप के लोग आपको हर जगह मिलेंगे, अनफॉर्चुनेट बात है, नहीं होना चाहिए, ऐसे लोगों के ऊपर एक्शंस लेने चाहिए, प्रॉपर एक होना चाहिए। खासकर टीचर्स, जो टीचर्स प्रोफेसर्स है, जो यंग माइंड्स को डेवलप करती है, उनके साथ इंटरैक्ट करती है, उनके मन में और दिमाग में अगर इस टाइप की फीलिंग्स और थॉट्स हैं तो कुछ कंट्रोल होना चाहिए इस बारे में। पर अब आप देख ही रहा है कि एज इंडियन अमेरिकन क्या क्या कई बारी अनफॉर्चुनेटली सहना भी पड़ता है, क्योंकि इंडियन अमेरिकन हार्डवर्किंग हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो कई लोगों को प्रॉब्लम्स भी होती हैं, अनफॉर्चुनेट नहीं होना चाहिए पर होती हैं। तो हमारी लाइफ जो है इतनी इजी नहीं होती कि आपको इंडिया में भी आपको कई बार ऐसी अगर आपको दिख रहा है तो कई स्टेटमेंट्स आपको मिलती हैं जो हर्टफुल होती हैं। अब यहाँ पे भी कई ऐसे लोग हैं जिनके विचार ऐसे हैं जो इस टाइप से हर्टफुल कमेंट्स भी मारते हैं, तो इट इज नॉट इजी कि आप जो है दो कंट्रीज के हो पर फंस गए हो बीच। राइट राइट, अगर आपका माइंड क्लियर है तो एवरीथिंग इज इजी, वो तो है। अगर आपका माइंड शार्प है और क्लियर है और आपके थॉट्स सही है, आपने जो कार्य करना है वो करके जाना है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल, पर देख के काफी शॉकिंग लगता है कि इस टाइप से आप बाहर आके पब्लिक में इस टाइप की बात करो एक पूरे एक कंट्री के बारे में, और उसको इस टाइप के वर्डिंग्स कोई यूज करो जो इतने इनअप्रोप्रिएट थे कि उन्होंने कहा कि हम आपको इस वीडियो में भी नहीं दिखा सकते। राइट, आई मीन जो इंसान बुरा बोलता है प्रॉब्लम उसी को आती है, आएगी, क्योंकि मेरे ख्याल से एक्शन लिया जाएगा। अब जब जैसे ये वीडियो अब सामने आई है तो आई एम श्योर कि कोई ना कोई जहां पे भी ये काम करती है उनके पास जाएगा और एक्शंस लिए जाएंगे, है ना। होपिंग कि जल्दी वो न्यूज भी आए, तो जैसे आपको अगर पता चले तो डेफिनेटली शेयर करना। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।